चलिए, मेरे और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो घर में जब कोई काम हो ना, तब कैसा होते हैं जिनके घर में काम होते हैं उनको बताएं। तो मेरे घर में टाइल्स का काम चालू है। एक्चुअली ये रेंट हाउस है और ये ओनर करवा रहे हैं। इस घर का कलर वगैरह सब कुछ झड़ने लगा था, इसी वजह से ओनर ने टाइल्स लगवा के दिया। पर वो तो अच्छा हुआ कि टाइल्स लगवा के दिया, पर घर में जब बच्चा रहते हैं और हम शिफ्ट करके आए हैं घर में, और उसी घर में जब काम होते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारी इधर बोला था 3 दिन में कंप्लीट कर देगा, तो टाइल्स मिल नहीं रहा था उनके पसंद का, मतलब ओनर की पसंद का। तो फिर एक दिन ऐसे ही गया, वैसे करते करते 4 से 5 दिन में हमारे पूरे आधा किचन का पूरा, 2 वॉल का टाइल्स और हॉल रूम का, हम सारे वॉल्स में बस 3 फीट 3 फीट करके टाइल्स लगाने का काम था। फिर उसको जो पुट्टी वगैरह था, कलर था, उसको निकालने का, वो सब कुछ करने का काम था। वो सब करने के बाद उसके बाद टाइल्स लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। एक दिन में किचन का हो गया, फिर और एक दिन में हॉल का हो गया। टाइल्स लगाने में 2 दिन ही टाइम लगा था, पर टाइल्स आने में और पूरे वॉल को साफ करने में उसमें ही टाइम लगा था ज़्यादा। तो चलो, अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तभी जो घर का काम है कंप्लीट हो चुका था, पर जो धूल सीमेंट मिट्टी इसका जो भी सादा डस्टिंग ये सब कुछ घर में पड़ा था, वही बस क्लीनिंग अभी चालू है, 2-4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचा था कि मिस्त्री हॉल रूम पे काम कर रहा था, मतलब जो टाइल्स का काम कर रहा था, हॉल का काम कर रहा था, तो मैंने सोचा फ्रिज को क्लीन कर लेते। एक्चुअली फ्रिज को बार बार हटाना पड़ रहा है। किचन का काम जब देखो, अभी किचन का काम नहीं हुआ है, और किचन का काम जब चालू होगा तब इधर से सब कुछ हटाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं दिखा रही थी कि मैं ये जो फ्रिज है इसका आइस कैसे निकालती हूँ। देखो, एक पूरा गबला आइस भरा हुआ है। ऐसे होता है, छोटा वाला फ्रिज में आइस भर जाते हैं, पता नहीं इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होते हैं, छुटकारा तो नहीं मिल सकता क्योंकि ऐसे छोटे फ्रिजों में होता ही है ऐसा आइस। और मुझे ना फ्रिज इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होते, आप लोगों को शायद हैरानी होगी सुन के। हाँ, सच में एक्चुअली फ्रिज में रखने वाला ऐसा कोई सामान है नहीं, मैं सब थोड़ा थोड़ा करके लाती हूँ और यूज़ हो जाते हैं तो बस ख़त्म हो जाते हैं। फ्रिज में बस नॉनवेज ही कुछ, अगर फिश वगैरह ला के रखते तब भी रखते, उसके अलावा देखो फ्रिज पूरा साफ़ करके थोड़ा बहुत ही सामान रहेगा जो कि मैं रखती हूँ फ्रिज में, ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ। ये आइस इतना ज़्यादा निकला था, इसको निकालना सबसे बड़ा टफ काम होता है। और उसके बाद फ्रिज को थोड़ा सा पोछा लगा लूँगी, मतलब पोछा मतलब क्या, थोड़ा सा पानी से और विम लिक्विड से मैं इसको अच्छी तरह से मिला के ना इसको पोछ लूँगी पूरे फ्रिज को, तो अच्छा मतलब कुछ गंदगी वगैरह गिरा हुआ रहता है ना, तो वो दिखता नहीं है। फ्रिज को तो साफ़ कर लिया, अभी जो सारे सामान था उसको रखूँगी। देखा, अब ज़्यादातर सामान नहीं रहते मेरे फ्रिज में, बस खाली खाली रहते हैं। शायद कल से किचन का जो काम होगा ना वो चालू हो जाएगा, हॉल का काम आज ही हो जाएगा, क्योंकि हॉल का जो ज़्यादा नहीं है ना, 3 फीट 3 फीट करके टाइल्स लगाने का, टाइल्स लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाते है, मतलब उसको सबसे ज़्यादा ना काटने में टाइम जाते हैं। 1 घंटा में अगर काटना ना पड़े ना टाइल्स को, तो फिर मैं देखा 1 घंटे में 1 वॉल पूरा कंप्लीट हो जाते हैं उनका, मतलब 1 घंटे में हाँ हो जाते अगर काटना ना पड़े तो। अगर काटना पड़ेगा ना तो फिर मतलब काटना तो पड़ता ही है छोटा छोटा करके, तो फिर बहुत टाइम लग जाते हैं। और ये देखो, हॉल का काम चालू था उसके बाद आधा ही हुआ है, और ये किचन का टाइल्स जो है अभी आया है और सारे के सारे बिखरा हुआ है। अभी हॉल का काम शायद कल 2 घंटा तक लगेगा हॉल का काम कंप्लीट होने में, उसके बाद किचन में लग जाएगा, मतलब पूरा दिन रहेगा। सुबह 9 बजे आते हैं, उसके बाद जाते हैं कितना बजे जाते हैं, रात के 7 बजे, और मैं सुबह उठ के खाना बना लेती हूँ क्योंकि उसके बाद बाहर नहीं निकालती हूँ, पूरा बेडरूम में सब कुछ लेके चले जाती हूँ मैं, और मून बेडरूम में रहती हूँ। सुबह सुबह उठ के पूरा दिन का खाना बनाना पड़ता है, इसी वजह से रात को ही थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके रखती हूँ। पहले नहीं करके रखती है, अभी ज़रूरत होती है क्योंकि मिस्त्री लोग आ जाते हैं, तो उसके पहले मुझे नहाना पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ते हैं, खाना भी बना लेते हैं धूल में, मिस्त्री लोगों के सामने कैसे खाना बनाओ। अदरक और जीरा का पेस्ट बना के रखी हूँ, मटर छील के रखी हूँ, और इधर क्या है, और ये आलू और गोभी को काट के रखी हूँ, उसके ही सब्ज़ी बनाऊँगी। कल थोड़ा सा आटा गूंद के रखी हूँ, जल्दी जल्दी हो जाते हैं ना इसकी वजह से, नहीं तो मैं आटा गूंद के फ्रिज में नहीं रखती हूँ।
आज ही रखी हूँ कि कल जल्दी हो जाए, उसके बाद अच्छे से नहा लूँ, उसके बाद मून का भी रेडी करना पड़ता है ना। मिस्त्री आ जाते हैं 8:30-9 बजे तक आ जाते हैं, इसी वजह से काम और भी जल्दी करना पड़ते हैं। आज देखो सब पूरा घर का काम कंप्लीट हो चुके हैं। आप अगर देखोगे तो धूल कितना ज़्यादा, जितना बार घर का काम करके गया ना उतना बार हमने घर का साफ सफाई किया। जैसे हमको पता था कि नेक्स्ट डे फिर से धूल होगा, फिर भी करते थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मून की वजह से। और फिर किचन में खाना भी बनाना पड़ता था, काम करके चले जाते थे और मैं उनके पीछे पीछे किचन में घुस जाती थी, क्योंकि साफ़ करना होता था, उसके साफ़ करने के बाद खाना भी बनाना पड़ता था रात को। आज का जो है ना सारे के सारे काम हो चुका है टाइल्स का, और अभी हम लोग पूरा एकदम कम्प्लीटली जो डस्टिंग वगैरह है ना वो कर लेंगे। उसके बाद पता है रात के 12 बज गया था, हम लगे थे शायद 6:30-7 बजे से, और पूरा रात के 12 बज गए थे। आप लोगों को लग गया आप क्या कर रहे हो। ज़्यादातर पूरा जो डस्टिंग फिर पानी से नीचे लादी पोछा सब कुछ मुन के पापा ने किया। एक्चुअली उसको किसी के हाथ का पसंद नहीं आते, तो वो खुद से कर लेते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो। आपको सुनकर हंसी आएगी, मिस्त्री लोग काम करने के लिए आए थे, उनके साथ साथ मुन के पापा भी काम करने लग गए थे। उन दो मतलब 2 से 3 लोग आए थे, पर जो हेड रहते ना उन्होंने बोला था वो सब कुछ करके जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में है। पर क्या जो काम करने वाला होते हैं ना वो कभी बैठा नहीं रहते, वो बोलते हैं मिस्त्री लोगों को, बोलते हैं आप टाइल्स लगाने लाओ, मैं मतलब टाइल्स लगा दो अच्छे से, मैं नीचे वगैरह साफ़ कर लूँगी। फिर उन लोगों को तो अच्छा ही हुआ, ऐसे भी वो लोग साफ इतना अच्छे से नहीं करते थे। और आप लोगों को लगेगा इधर तो दिखता है अच्छा नहीं लगेगा, वो मुन के पापा ठीक कर देगा, वहाँ पर प्राइमर लगा के कलर लगा देंगे तो वो पूरा ढक जाएगा। अभी नहीं, उसको कल बहुत ज़्यादा काम है, मतलब गोडाउन में काम है, इसके वजह से आज जल्दी जल्दी मतलब सो जाएंगे। पूरा घर अच्छी तरह से साफ कर लिया, फिर भी उसके पापा को लगता है अभी भी धूल है, इधर धूल है उधर धूल है, ऐसा ऐसा एक्चुअली है, पर इतना भी नहीं जितना वो करे। वो जैसे पूछ रहे ना, आप अगर लाइव देखते ना तो आपको पता चलता कि एक लेडीज़ भी नहीं करते ऐसा। एक्चुअली मेरे सास के ऊपर गया है और क्या, इसी वजह से हम दोनों में ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। मैं बोलती हूँ तुम चुप बैठो मैं कर लेती हूँ, पर उनको नहीं पसंद, वो मेरे साथ ही करेगा। मैं बोलते ठीक है तो फिर तुम ही करो, मैं क्यों करूँगी, मेरा तो आपको पसंद नहीं आते हैं। तो ऐसे करके ना हम दोनों में बहस हो जाते हैं, पर क्या फिर से मिलजुल हो जाते हैं, फिर दोनों मिलके काम पे लग जाते हैं। मैं पूरा किचन को साफ़ किया था, फिर मुन के पापा थोड़ा बहुत हाथ बटाए थे, हॉल का पूरा मुन के पापा ने किया था। एक बार मैं वाइपर से पानी नहीं लेके आ रही थी, मुन के पापा छुपड़ी होते ना उससे पानी फेंक रहा था, पोछा नहीं लगाई, पूरा पानी से पूरे घर धो दिया। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये देखो किचन में कैसे पहले जो हालत था, अभी पूरा टाइल्स लग गया है। अभी धीरे धीरे करके ना किचन को थोड़ा बहुत सेट करेंगे, सजाएंगे, देखते हैं कैसा लगते हैं। बस मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि मिल रही है, क्योंकि जो किचन का हालत था ना उसमें काम करना बहुत मुश्किल होता था, धीरे धीरे इधर उधर चलना पड़ता था, क्योंकि कभी भी लगेगा तो गिर जाएगा, फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा ऐसा। ये जो साइड से आप लोगों को दिखता है ना ये सब कुछ प्राइमर और कलर से मतलब ढक जाएगा, बाद में प्राइमर कलर लगा देगा। रात को आलू बॉयल दिया था, मतलब आलू सिद्ध भात और डीम भी बॉयल किया था, उसी से मुन को खिला के मैं सुलाई हूँ, मुन सो गई है। अभी हम लोगों का सोते सोते 12:30 बज गया था, अभी भी मुन के पापा को जिधर भी वो देख रहा है ना उधर ही उसको धूल धूल लग रहा था, उसको फिर से लग रहा है कि वॉशरूम के दरवाजे पे धूल है, सारे के सारे टाइल्स दरवाज़ा सब कुछ पोछ डाला उसने, उसके बाद भी उसको धूल लग रहा है। मैंने बोला जाने दो, कर रहा है करने दो, एक्चुअली उसमें वो मैनिया बोलते हैं ना वैसे टाइप का है, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली है उसमें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा मैं कभी कोई जेंट्स लोगों को नहीं देखा, कोई लेडीज़ को नहीं देखा, जेंट्स तो दूर की बात, उसको हर एक चीज़ में वो नहाते भी है कितना टाइम से पता है आप लोगों को, 1 से 1.5 घंटा उसको नहाने में जाते हैं मुन के पापा को ऐसा ही क्या करूँ। पर अच्छा है ना इतना साफ सुथरा रहते, पर मैं पूरा उनसे अलग हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहाती नहीं हूँ या फिर 2 मिनट में नहा के आ जाती हूँ, पर उनके जैसा नहीं करती हूँ। आज बनाऊँगी मतलब 5 दिन से ना सुबह सुबह उठ के एक सब्जी राइस बना के रखती थी ना वही ठंडा ठंडा, मतलब कभी दाल कभी एक करी ऐसे ही बना के रखती थी, वो खाते खाते ना आज लग रहा है थोड़ा सा कुछ अच्छा बनाओ, तो सोचा बिरयानी बनाओ। आज शेयर नहीं कर रही हूँ, बाद में एक दिन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चिकन लेकर आई हूँ, उसके बाद मैं कर्ड से मैरिनेट किया, और फिर अदरक जीरा लहसुन ग्रीन चिली थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर नमक हल्दी बिरयानी मसाला थोड़ा सा क्या बोलूँ
क्या है वो मस्टर्ड ऑयल, ये सब से मैरिनेट करके ढक के मैं मून को लाने के लिए जाऊंगी। मैं रेडी हो गई हूँ, अभी इसको मैरिनेट करके ढक के मून को लाने के लिए जाएंगे। मैं थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डालना भूल गई थी, वो डाल के ना मैरिनेट करके फिर मून को लाने के लिए जाएंगे। एक्चुअली मून को डस्ट से एलर्जी है, डस्ट से उसको सर्दी लग जाती है, इसी वजह से उसको बुखार भी आ गया था जब टाइल्स का काम चल रहा था। अभी ठीक है वो, तो हमने मून को एक दिन भी घर से नहीं निकाला था, मतलब बेडरूम से नहीं निकाला था। मैं सारे सब कुछ, मतलब पानी का बोतल, बर्तन वगैरह सब कुछ बेडरूम लेके गई थी, खाना पीना सोना, बस वो वॉशरूम के लिए बाहर आते थे तो उसी के लिए मैं उसको बाहर भेजती थी, उसके अलावा बाहर ही नहीं भेजती थी, इतना ज़्यादा धूल था। तो आज मैं सोचा कि सुबह थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेती हूँ, सर दर्द हो रहा था, तो मैं ये डेविड एफ का कॉफ़ी पीती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। आप लोगों को ऑनलाइन में मिलेगा, शायद मार्केट में नहीं मिलेगा, पर बहुत अच्छा इसका खुशबू आते है ना, बहुत अच्छा। तो बेरिस्ता बना के रख रही हूँ, ये सब कुछ मतलब बना के रख के जाऊँगी, पर आने के बाद फिर मैं बिरयानी को बनाऊँगी। मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कभी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चिकन बिरयानी कैसे मैं बनाती हूँ। मैं ना पानी पीते पीते आप लोगों के ऐसे देखा, और फिर मुझे याद आया किसी ने मुझे बोला था कि खड़ा रह के पानी नहीं पीने का, तो मैं भूल गई थी, फिर उसके बाद मुझे याद आया था, तो मैं सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम।